a pleasure to invite on stage the family members of the souls who have sacrificed their lives in fight against Nazis. Just one second before they come. एक तो हम सब यहाँ से जगह दे दें उनको. ये वो लोग हैं जिनके फैमिली में किसी ना किसी की जान नक्सली हिंसा में गई है, और ये सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स किसी ना किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं. और हमें लगा कि क्योंकि हमारा ये जो गाना है ये एक ट्रिब्यूट है हर माँ को, हर फैमिली मेंबर को जो अपने बच्चों को खोते हैं एक माइंडलेस वायलेंस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें. आप सोचिए कि पाकिस्तान के साथ जो तीन युद्ध हुए उसमें हमने 8,700 के करीब जवान खोए हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे ही देश के लोगों ने हमारे देश के 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को शहीद किया है. तो ये गाना जो है ये हम चाहते थे कि इनको बुला के इनको समर्पित करें और इनके थ्रू हर उस सिक्योरिटी ऑफिसर के फैमिली को समर्पित करें जिन्होंने किसी ना किसी को खोया है. सो प्लीज लेट देम कम ऑन द स्टेज एंड वी आर गोइंग टू गो ऑफ द स्टेज. गाना इसके बाद हम प्ले करेंगे दो बार. आफ्टर दैट कुछ कहानियां ये लोग नरेट करेंगे. प्लीज तालियों में चाहूंगा कि सभी मीडिया फिर जोरदार हो जाएं, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ से स्पेशली हमारे लिए आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं. इन सब के लिए बहुत मुश्किल घड़ियां रही हैं, तो हम दो बार गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम कुछ कहानियां सुनेंगे इन्होंने क्या झेला है. एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर एनी ऑफ अस प्लीज आइए, प्लीज बैठिए. कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज नाउ वंस एवरीबॉडी सीटेड. आशीन बिठा दीजिए. जो आपने अभी देखा है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही उनका डेथ हुआ था, ऐसे ही शहीद हुए थे. वो उस दिन रविवार था और इट वॉज अ हॉलीडे, और वहाँ ऑफिस से फोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो. तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए, और नक्सली ये जानते थे कि अगर गांव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएंगे उनको बचाने के लिए. ये उनका प्री प्लान था. तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे. जैसी गाड़ी पार हुई है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी. उस दिन 23 जो थे मेरे पापा भी थे उसमें वो शहीद हुए. और ऐसे हमारी हम पुलिस लाइन में रहते थे जो बहुत ही पास था, और पुलिस लाइन को कांटेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त पे टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे. ये बात 2000 की है. तो उस वक्त जो पास में होते थे उनको जल्द से बुलाया गया और वो लोग गए. और उस रोज़ जो है पूरे पूरे घर में लाशों से भरा हुआ था वो पूरा कॉलोनी, और बॉम्ब ब्लास्ट में कईयों के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे. तो ये जो दिखाया था एकदम ताज़ा हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट कंट्रोल, आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड, आई एम सॉरी. बट
आई एम ग्लैड कि आपने ये बनाया है, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने, कि वाकई में जो हमारा बस्तर का जो जवान है, जो जवान जो सहते हैं, जो जबकि नक्सली एक भारतीय ही है और अपने ही लोगों को वो लोग ऐसे मारते हैं, और हमारे देश मतलब हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये स्टोरी से आप जानिए कि सच में ये सच बात है, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है, हम पे बीती है ये बात। तो मैं बस इतना बोल के समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू। कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। मैं आज पहली बार इतने लोगों के सामने आई हूँ, कभी माइक में भी नहीं बोली हूँ। उस दिन कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में ये महेंद्र कर्मा के फालोगार्ड में थे, उन्हीं के साथ गए थे सुकमा, और वापस आते समय उनको नक्सली हमला कर दिए, और उसमें वो गड्ढा में थे, उसमें उसको गोली लग गई और कोई नहीं बचे। हम लोग तो इंतजार करते रहे, आएंगे आएंगे बोल के उनको, लेकिन दूसरे दिन पता चला हम लोग को, 36 घंटा होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो अभी नहीं रहे बोल के। और हम लोग को नाम भी नहीं पता जो ये कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं, नाम तो नहीं बोल पा रही हूँ। तो वो मौका दिया हम लोग को आपके सामने बोलने के लिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस इतना ही कह के अंत करती हूँ। मंच पे आ जाए। मेरे फादर का 1998 में डेथ हुआ था द रिम नक्सली अटैक में। वो मेरी मम्मी उस दिन करवा चौथ का व्रत कर रहे थे, उस दिन पापा का छुट्टी का डेट रहा और उनको कहीं ट्रक लेके जाना पड़ा, व्हीकल लेके जाना पड़ा, और आर्मी को लाने का था कहीं से। गए जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, आते समय जब आर्मी को लेकर वापस आ रहे थे तो उनका लास्ट में डेथ हो गया। थैंक यू। कि बस्तर की घटना सच है। मेरे पापा 2006 में बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी में शहीद हुए थे। जो नक्सली थे वो जो स्कूल वाले यूनिफॉर्म होता है वो वाले ड्रेस पहनकर हमला किए थे मेरे पापा को, और जब और उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बहन 2 मंथ की थी, उसको आज ये लगता है कि आज मेरे पापा रहते तो क्या होता। और नक्सलियों को के नाम से इतना चिढ़ती है मेरी बहन, आज वो मिल जाए तो मैं उनको क्या करूंगी, ऐसा सोचती है। बस मैं यही बोलूं। Right, I think we have furthermore stories, but on that note, once again, I would like to call upon stage the cast and crew, of course. Firstly, Vipul sir, please come on stage. Adha Sharma, captain of the ship, Sudipto Sen sir, writer Amarnath, our music composer Vishak, once again to come on stage, Indra Tibari, Ashin Shah. ये लोग ट्रेन स्पीकर नहीं है पर आपको उनका दर्द जरूर टच किया होगा, और ऐसे हजारों फैमिलीज हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के जो इन माइंडलेस वायलेंस में जिनको अपने बहुत जरूरी है
और भारत के हर इंसान को देखनी चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लोगों को इस तरह मार रहे हैं। हम जब बस्तर में थे तो हमें एक इंसान ने बहुत दिल दहला देने वाली बात बोली थी। वो हंसते हंसते कह रहा था लेकिन बात बहुत गंभीर थी। उसने कहा कि ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ 25, 30, 40 लोग नहीं मरते तब तक बड़े शहरों के मीडिया में हमारी इस बात की चर्चा नहीं होती। मतलब अगर 2-5 लोग एक साथ मर जाएं तो इसके बारे में मीडिया बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, ये खबर भी नहीं छपती। हमारी फिल्म में जो कहानी है कि भारत का झंडा फहराने के लिए एक औरत के पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया, आज तक कोई भी मीडिया वाला उस औरत के पास नहीं पहुंचा। तो ये एक क्यों, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड जो किया गया है कि ये नक्सली जो है ये अच्छे हैं, ये जो है वो गरीबों की मदद करते हैं। आपने देखा कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, अपने फैमिलीज टूट रहे हैं, और इनको अच्छा दिखाने की साजिश जो चल रही है डेकेड से उसे इस फिल्म में हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। Now, if you have any question answers for anybody, if Dada wants to speak something, he will. But otherwise, you can ask questions to them or to us. Anybody, we are here. Can we have the mics please on stage? Yeah, please. Can we have mics on stage again? Audience में दे दीजिए बाकी. Audience में. हम लोग circulate कर लेंगे. Yes. तू करना